नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, लाइक ज़रूर करना है आपको, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और कमेंट भर भर के कमेंट करने हैं, भर भर के कर देने हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। ओके, क्या बात है गाइस। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो आपका रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है, आपके पार्टनर को फील होता है। यहाँ पर कोई टैरो रीडर भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, हाफ सिस्टर्स की एनर्जी यहाँ पर है, कोई साइकिक हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं क्या आता है, क्या एनर्जी है। ये बहुत ही मतलब इस कार्ड को देखकर ना बहुत मतलब सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है मन को। देखो, इसलिए मैंने यहाँ पर भी रखा है सेम टू सेम। बहुत ही मतलब सुकून मिलता है मेरे दिल को इस कार्ड को देखकर। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है ये। देखते हैं और क्या आता है। दो नंबर खास हो सकता है आपके लिए, बॉर्डेड हो सकती है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस जो आपके पार्टनर की एनर्जी आई है यहाँ पर, देखो ये आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं। अगर अब तक इस इंसान ने आपके लिए कोई एफर्ट नहीं डाले, आपसे बात करने की कोशिश नहीं की, तो ये आने वाले समय में हो सकता है। अभी देखो, रिबर्थ की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। जब मौत हो जाती है तो एक पुनर्जन्म होता है। देखो, डेथ कोई एंड नहीं है। अगर आपको लगता है सब कुछ खत्म हुआ है, ये रिबर्थ है, एक नया जन्म है, पुनर्जन्म। तो इस रिश्ते को अगर आपको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, तो नहीं, सब खत्म नहीं हुआ है, अभी तो एक नई शुरुआत है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एट नंबर भी खास हो सकता है आपके लिए, और एट ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में एफर्ट डालना, आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन हो। क्या बात है, क्या ज़बरदस्त कार्ड आया, टू ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत गहराई से, बहुत दिल से इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत दिल से। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पर्सन टू ऑफ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पर बता रही है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मतलब जिस तरह से आप एनर्जी है, इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार बहुत है। अगर आपके पार्टनर छुपाते, देखो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपके पार्टनर कुछ बातें आपसे छुपाई भी होगी, या इस इंसान को हमेशा लगता रहा कि आपने इस इंसान से बहुत बातें छुपाई है। अगर ऐसा है तो इस वक्त आपके पार्टनर इस एनर्जी में है कि वो आपको दिल की बात बताना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपसे कुछ छुपाया तो वो खुद आपको बताएंगे, अगर आपने उनसे कुछ छुपाया तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ वो बातें शेयर करें। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। दो नंबर, वापस दो नंबर यहाँ पर आया है, और देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो आपके पार्टनर ने आपकी कदर नहीं की, ठीक है, या तो इस इंसान ने हमेशा मतलब फॉर ग्रांटेड लिया आपको, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया आपकी तरफ। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस इंसान को आपकी अहमियत को, या तो इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप कितने ज़रूरी है उसके लिए, या तो इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप कितने काबिल हो। ठीक है, इस इंसान को एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर आप चाहो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो चाहे जो कुछ करना हो आपको, आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, जॉब, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, आपके पार्टनर को विश्वास है कि वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो, इतनी काबिलियत आपके अंदर है। अगर इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की तो इस इंसान को आपकी कदर होने लगी है। गाइस, राशि यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, राशि यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी अहमियत को इस वक्त समझ रहे हैं। लेकिन दूसरे ही तरफ इस इंसान को कुछ ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि पता नहीं आप उनसे बात करोगे कि नहीं, आप इस सिचुएशन में हो कि नहीं कि आप उनकी बात मानोगे। मतलब आप इस परिस्थिति में, जिस तरह से इस इंसान ने अगर आपके साथ कोई व्यवहार किया, ऐसा कोई बुरा व्यवहार किया, तो आपके पार्टनर सोच रहे कि क्या आप इस सिचुएशन में हो कि आप उनकी बात मानोगे। अगर वो आपसे बात करेंगे तो क्या आप गुस्सा करोगे, क्या आप नाराज़ हो जाओगे। मतलब
एक मन में ये डर, एक शंका भी है इस इंसान की कि वो अगर खुद होकर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, अगर वो खुद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप इस परिस्थिति में हो कि आप उनकी बात मानोगे? उनको तो कहीं ना कहीं मन में डर लग रहा है कि आप उनकी बात नहीं मानोगे, उनको डर लग रहा है कि आप अपनी चलाओगे या आप गुस्सा करोगे। ठीक है, अगर इस इंसान ने कुछ ऐसी बात कर दी तो आप गुस्सा करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर मन बहुत करता है, इस इंसान की नज़र में आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत हद से ज़्यादा स्मार्ट हो आप। मतलब जिस तरह से आपकी सोच है, जिस तरह से आपका जो स्टाइल है इस इंसान को कुछ भी बातें बताने का, जिस तरह से आपका व्यवहार, इस इंसान को लगता है आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। ठीक है, ऐसा भी लगता है। और उनको साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि आप ना गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हो। लिब्रा एक्वेरस जेमिनी की एनर्जी है गाइस। देखो, आपके पार्टनर को ये सोच सोच के ही बर्डन हो रहा है कि आप गुस्सा करोगे, इस इंसान को ये सोच सोच कर ही बर्डन हो रहा है कि आप मानोगे नहीं उनकी बात। मुझे ऐसा लगता है कि या तो इस इंसान को बहुत जिम्मेदारियाँ आई हैं इनके घर परिवार की, या जहाँ पर ये काम करते वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आई है इस इंसान के ऊपर, कुछ थके थके से फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा फील कर रहे कि इनको लगता है सारी दुनिया की जिम्मेदारी जैसे इस इंसान के ऊपर ही आई है। इस इंसान को लगता है कि वो फ्री होना चाहता है, जो बर्डन है या जो काम में ये इंसान बहुत बिजी है, तो वो इंसान फ्री होना चाहता है, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहते हैं, आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी आई है आपके पर्सन को, अगर इस इंसान ने कुछ आपके साथ गलत किया तो उसका बहुत जैसे कि बोझ, एक दिल पर बोझ है इस इंसान के, उसको लगता है उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये इंसान काम की वजह से बहुत डिस्टर्ब। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जाई है एरीज लिए, वो सैजिटस आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपकी राशि हो सकती है, कोई दिल पर बोझ है आपके पार्टनर के और उसी वजह से इस इंसान को बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, उनका जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करियर हो सकता है, जो इस इंसान को अपने लाइफ में करना है, हर चीज़ के बारे में वो सोचे जा रहे हैं। देखो, आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जाई है आपके पर्सन, हाँ, द्विधा परिस्थिति में है, कन्फ्यूजन में है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, लेकिन सोच तो आपके ही बारे में है। इनकी जो द्विधा परिस्थिति है, इस इंसान को नहीं लगता कि वो आपको खोए, वो इंसान आपको पाना चाहते हैं और इसलिए गहराई से सोच भी रहे हैं। देखो, एक तो आपके पार्टनर, मैंने पहले बोला, एक तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस बात को मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काबिल हो, आप जो चाहते हो आप अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। लेकिन कभी कभी आपके पार्टनर को ऐसा भी फील होता है कि आप ना सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, आप अपने स्वार्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हो। इस इंसान को भ्रम होते हैं, या तो जिस तरह से आपके पार्टनर सोचते हैं हो सकता है कि उनकी सोच गलत हो, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ना कभी कभी खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हो, और जब आप खुद के बारे में सोचते हो तो आप इस इंसान के बारे में नहीं सोचते हो, इस इंसान को आप समझते नहीं हो, ऐसा कुछ आपके पार्टनर को फील हो रहा है। आपके पार्टनर इस प्यार में ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। टॉरस वर्को कैप्रिकॉन, वो आपको हैप्पी देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, खुद के पैरों पर खड़े रहना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं, या ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है जिनका बोझ इनके ऊपर है। तो कोई तो ऐसी बात है जिस तरह से आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन जो द्विधा परिस्थिति इनके मन में हो रही है, जो बर्डन इनको हो रहा है, ये बर्डन, ये बोझ, आपके पार्टनर जो कुछ बातें इनके दिल में, जो हो सकता है कोई दुख हो, कोई दर्द हो, वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। और एक तरफ आपसे शेयर करने के बारे में जब सोचते तो उनको लगता है कि आप सुनने की परिस्थिति में नहीं हो, आप गुस्सा करोगे, आप नाराज हो जाओगे। ऐसे हालत मुझे आपके पार्टनर की इस वक्त दिखाई दे रही है। क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जाई है आपके पर्सन, देखो, एक नई शुरुआत, तो मैंने पहले ही बोला था कि इस इंसान को शुरुआत करनी है, आपसे बात करनी है, जो कुछ उनके दिल में है आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इनको रिस्क लगता है, इनको डर लगता है। वो जब भी आपसे बात करने के बारे में सोचता है, वो इंसान जब भी एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचता है, उनको लगता है कि रिस्क है,
लेकिन फिर भी वो रिस्क आपके लिए उठाना चाहते हैं, वो एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की नज़र में आप बहुत मासूम हो, मतलब एक एक छोटे बच्चे के जैसे हो आप, जो बहुत मासूमियत भरी है आपके अंदर। आप कुछ बातें समझ नहीं पाते हो, आपके अंदर वो मैच्योरिटी जो होनी चाहिए इस इंसान की नज़र से। मैं ये नहीं कहती कि आप मैच्योर नहीं हो, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत चाइल्डिश हो, लेकिन इस इंसान की नज़र में आपको जितना मैच्योर होना चाहिए आप उतने मैच्योर नहीं हो। इस इंसान की नज़र में आप बहुत बालिश हो, इस इंसान की नज़र में आप बहुत बचकानी हरकतें करते हो, और इस इंसान को लगता है कि ये जो आपका स्वभाव है ये प्रॉब्लम कर सकता है। इस इंसान को लगता है कि अगर वो आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते के बारे में कोई ठोस निर्णय अगर करते हैं, तो आपका जो बचपना है जो आप समझ नहीं पाते हो इस इंसान को। देखो, इस इंसान ने बहुत सोचा है कि वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, वो इस रिश्ते पर एफर्ट डालेंगे। देखो, सब कुछ तो डिसाइड हो चुका है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आपकी जो बचकानी हरकतें हैं अगर वो ऐसे ही चलती रही तो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। देखो, दी फुल की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपके पर्सनल रिस्क उठाना चाहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये उसको फेस करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये भी एनर्जी यहाँ पर आई है। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन गाइस आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। ऐसी कोई बात है जो आपके पार्टनर को बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही वो इस रिश्ते में, इस प्यार में ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई सिंगल मदर हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसे हो सकते हैं जो आप दोनों की शादी हुई है और आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, ऐसे भी लोग यहाँ पर हो सकते हैं। नंबर 3 आपके लिए खास हो सकता है, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 2, ये नंबर्स आपके लिए खास हो सकते हैं। इस रिश्ते में ग्रोथ तो आपके पार्टनर ज़रूर लेकर आना चाहते हैं। टॉरस राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हैं। अगर आपने कोई DPS रखा है, कोई प्रोफाइल रखा है, तो वो उसको बार बार देखे जा रहे हैं। आपकी खूबसूरती को ये इंसान बहुत एडमायर करते हैं, मतलब इनकी नज़र में आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और वो आपकी ब्यूटीफुल जो फोटोज़ है उसको देख रहे हैं, मन ही मन आपकी तारीफ कर रहे हैं। ओके, देखो ये इंसान अब इंतज़ार नहीं करना चाहता है, जिस तरह से आप एनर्जी है फास्ट एक्शन चाहते हैं आपके पर्सन। द चैरियट नंबर 7 की एनर्जी, देखो नंबर 7 को 7 ने ही क्लैरिफाई किया है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जी आई है, कुछ पॉजिटिव थॉट्स है आपके पार्टनर के, उनमें तो कुछ नेगेटिव थॉट्स भी है। यहाँ पर फास्ट एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पर आई है फास्ट एक्शन वाली आई है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर आने वाले 7 दिन के अंदर एक्शन ले सकते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं आने वाले 7 दिन के अंदर। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पर एनर्जी आई है। कर्क राशि, कैंसर राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, ये बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। अब ये थक चुके हैं, अब ये आपसे दूर रह रहकर थक चुके हैं। अगर कुछ झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, अगर उसका जो बोझ है वो उस बोझ को उठा उठा कर थक चुके हैं, उनकी बर्दाश्त करने की हदें पार हो चुकी है, अब वो इंसान बर्दाश्त नहीं करना चाहता, अब वो इंसान इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहता है। मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि बहुत जल्द आप देखोगे कि इस रिश्ते में बैलेंस हो रहा है, आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे गाइस, ज़रूर आएंगे, आप विश्वास रखो। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एक तरफ तो इस इंसान को लगता है आप बातें छुपाते हो, या आपको अगर ऐसा लगता है कि इंसान आपसे बातें छुपाता है, तो जिस तरह से आप एनर्जी आई है, आँखों पर पट्टी मत बांधो आप। अगर आपके आँखों पर पट्टी है तो उस पट्टी को खोलो, आँखें खोलो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर के आँखों पर पट्टी है तो इस इंसान की आँखों की पट्टी खुलेगी, इंसान समझ पाएगा। अगर आप किसी भ्रम में हो, अगर आपको कोई ऐसी बात ने घेर रखा है जो नेगेटिव है, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए घातक हो सकती है, आपको अपनी आँखों की पट्टी को खोलना होगा, ठीक है। अगर ऐसी बात है कोई कि आप बार बार इस इंसान के ऊपर ब्लेम किए जा रहे हो, आप विश्वास नहीं रखते हो, तो आपको विश्वास रखना चाहिए, ज़रूरी है। तो आप सोच के एनर्जी क्या बता रही है कि द्विधा परिस्थिति तो है, लेकिन किस बात से है, क्योंकि इनको लगता है कि आप बातें छुपाती हो, या आपको लगता है कि ये बातें छुपाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात है कि आप दोनों अगर एक दूसरे से बातें छुपा रहे हो, मतलब आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, आप इस इंसान को प्यार बहुत करते हो लेकिन जताते नहीं हो, या ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन कभी जताता नहीं है, जाहिर नहीं करते हैं,
तो जो बातें छुपा रहे हो आप दोनों एक दूसरे से, उसकी वजह से इस इंसान को बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आपके पार्टनर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है ये उसके बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन आप जिस तरह से इस इंसान को देख रहे हो, आपका जो नज़रिया है, अगर आपको लगता है कि इंसान धोखेबाज है तो उसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं, वो चाहते हैं आपके लिए एफर्ट डालना। दूसरे ही पल इस इंसान के मन में वो थॉट्स आने लगे हैं कि आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तो ये इंसान कैसे बात करेगा आपके साथ, ये इंसान कैसे बताएगा अपने दिल की बात। ये हाल आपके पार्टनर का मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या है देखते हैं, जिस तरह से आप पर एनर्जी आई है, हो सकता है कि ये आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के घर वालों ने शायद इस इंसान के लिए कोई और देख रखा है शादी के लिए, ऐसा हो सकता है। कोई तो दो दो ऑप्शन हो सकते हैं इस इंसान के पास, जो इस इंसान को बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं हमेशा, या एक तरफ करियर हो सकता है, एक तरफ आप हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर हो सकता है टीचर हो, या आप में से कोई टीचर हो, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 5 खास हो सकता है आपके लिए। और इस वक्त की एनर्जी क्या है और क्या है, ये पहले भी आया था। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं आपसे। बॉटम में देखो एस ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत ही खूबसूरत एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो आपको गॉड गिफ्ट मान रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि जो भगवान ने इतना खूबसूरत तोहफा इस इंसान को दिया है वो उसको ऐसे ही नहीं गवा सकता। वो इस इंसान को डर लगता है आपको खोने का। ये इंसान मानते हैं कि भगवान ने ही आपकी और इस इंसान की जोड़ी बनाई है। और 10 of Cups 10 नंबर भी 2 बार यहाँ पर आया है। आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ। इस वक्त आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में शादी के ख्याल बहुत आ रहे हैं, बहुत ड्रीम देख रहे हैं आपके लिए। आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों के बच्चे होंगे, खूबसूरत सा परिवार होगा, बहुत आगे के सपने देख रहे हैं आपके पर्सन। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पर आई है। तो इस वक्त आपके पार्टनर के दिल दिमाग में चल रहा है कि वो आपको जल्द से जल्द कोई ऑफर करे, वो जल्द से जल्द इस रिश्ते पर काम करे। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन चाहते हैं जल्द से जल्द इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। क्या गाइडेंस है मेरे जो व्यूअर्स है, क्या गाइडेंस है उनके लिए इस वक्त, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को बहुत बर्डन हो रहा है। देखो आपके पार्टनर के लिए भी ये एनर्जी आई थी कि इस इंसान को भी किसी बात का बोझ है, आपको भी किसी बात का जैसे बोझ है, आपके दिल पर भी कोई बोझ है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप में से लोग ऐसे हैं कि आप किसी को भी ना नहीं कह पाते हो। अगर कोई आपको हेल्प मांगता है तो आप हाँ बोल देते हो, मतलब आप सोचते ही नहीं हो कि आपको मुश्किल हो सकती है। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, हर किसी की मदद करने के लिए आप रेडी रहते हो, और आपको ये समझ में नहीं आता कि आप दूसरों की मदद करते करते आप खुद का ही लॉस कर रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आपको दूसरों की मदद नहीं करनी है, आपको दूसरों की मदद ज़रूर करनी है, लेकिन उसमें आपको खुद के बारे में भी सोचना है ना। तो आप ये जो ना नहीं कह पाते हो इसकी वजह से आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। और जो आप बार बार दूसरों की बातों में आ रहे हो, बार बार आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, तो आप खुद के बारे में कम सोच पा रहे हो। और अभी ये वक्त ऐसा है कि आपको खुद के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, करेज की कमी है। कुछ करना तो चाहते हो लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस जो चाहिए आपके अंदर वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जी आई है, आप कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपकी जो लाइफ में अभी घटित हो रहा है आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो गाइज। और आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा, आप नहीं बैठ सकते। कब तक आप ऐसे बैठे रहोगे, कब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, आगे तो चलना होगा आपको। ओके, और देखते हैं। डेफिनेटली मुझे लगा ही था, बहुत दुख है आपके सीने में।
कोई पीड़ा ऐसी है जिसको आप, मतलब उस दर्द को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आप उस दर्द को पकड़ के बैठे हो। देखो गाइस, जिंदगी में दुख तो आएंगे ही, सुख दुख तो चलता रहेगा, इस दुख से बाहर निकलकर आपको आगे बढ़ना होगा। नंबर 9 आपके लिए खास हो सकता है, नंबर 8, नंबर 6 खास हो सकते हैं आपके लिए। और जिस दर्द में आपने खुद को जकड़ के रखा है ना, उस दर्द से मुक्ति पाने का वक्त आ चुका है। अब वक्त आ चुका है करेज के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे चलने की ज़रूरत है गाइस। ये यहाँ पर आया है वापस वही एनर्जी, नंबर 9 एनर्जी है। मुझे सर देखो, नंबर 9 भी एक न्यू साइकिल का ही नंबर है, एंडिंग का नंबर है, एक न्यू साइकिल शुरू हो सकती है आपके जीवन में। एक बात तो यहाँ पर ऐसे कि आप कुछ ऐसी परेशानी को लेकर बैठ गए हो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके लाइफ में कि आप रात भर जागते हो। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आई है कि आप रात भर जागते हो। किसी को ऐसा भी लगता है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप आगे बढ़ पाओ। तो इसी कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाना है, इसी हिम्मत को तो बढ़ाना है। अगर आपको कोई रोक रहा है, ठीक है, आपको कोई परेशान कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान कब तक दोगे आप? 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 मंथ, 9 महीने हो गए आप किसी परेशानी से जूझ रहे हो। तो अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो भगवान सब देख रहा है। इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है जहाँ पर किसी भी दिल की चीख अनसुनी नहीं होती है। इस दुनिया में भले वो चीख अनसुनी हो, लेकिन इस दुनिया से परे जो दुनिया है वहाँ पर किसी भी दिल की चीख अनसुनी नहीं होती है। तो भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है और लाइफ में आगे बढ़ो, आप नहीं रुक सकते, ठीक है। डेफिनेटली आपको जो ये प्रॉब्लम हो रही है आपके लाइफ में, इसी वजह से आप में ना चिड़चिड़ाहट बहुत बढ़ती जा रही है। हो सकता है आप अपने घर वालों के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के ऊपर गुस्सा कर। देखो जब लाइफ में सब कुछ बिखर सा, कैसे देखो कैसे कैसे कार्ड्स आए कि ऐसा लगता है सब कुछ बिखर सा गया है, कुछ ठीक नहीं हो सकता। जब आपके मन में ये थॉट्स आने लगते तो आप में वो चिड़चिड़ाहट अपने आप आ जाती। तो इस वक्त ऐसा ही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपने घर वालों के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो, आप अपने दोस्तों के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो। तो शांत रखो अपने आप को, जितना आप अपने आप को शांत रखोगे, जितना आप अपने दिमाग को शांत रखोगे, उतना ही अच्छी तरह से आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको लाइफ में अब आगे क्या करना है और इस प्रॉब्लम से आपको कैसे बाहर निकलना है, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है। तो जितना आप शांत रखोगे अपने दिमाग को, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसी यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जा रही है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।